नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि और बुधवार का दिन है। आज सुबह 9:39 तक धृत योग रहेगा, साथ ही आज शाम 7:43 तक भरणी नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज शाम 6 तक स्वर्ग लोक की भद्रा रहेगी। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर, आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन जेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाजा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जय जय योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 16 जुलाई की देर रात 2:39 से अगली सुबह 6:59 तक रहेगा, और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग शाम 7:43 से कल सुबह 5:20 तक रहेगा, सारे काम बनाने वाले योग। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त रात 9:46 से रात 11:13 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 13 जुलाई की सुबह 6:24 से दोपहर 1:18 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 13 जुलाई की सुबह 5:54 से दोपहर 12:48 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 15 जुलाई की सुबह 5:46 से दोपहर 2:59 तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त रात 9:46 से रात 11:13 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 19 जुलाई की सुबह 5:35 से सुबह 7:51 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 14 जुलाई की रात 10:36 से अगली सुबह 5:33 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिली जुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति सामने से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है, इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं रहेगा। अब ये अशुभ समय कल यानी 13 जुलाई की देर रात 1:36 पर होगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन वृष, वृश्चिक, मकर और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 पहले और 12 बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर 12:26 से दोपहर 2:10 तक। मुंबई दोपहर 12:44 से दोपहर 2:22 तक। चंडीगढ़ दोपहर 12:28 से दोपहर 2:13 तक। लखनऊ दोपहर 12:11 से दोपहर 1:54 तक। भोपाल दोपहर 12:25 से दोपहर 2:06 तक। कोलकाता दोपहर पहले 11:41 से दोपहर 1:22 तक। अहमदाबाद दोपहर 12:44 से
दोपहर 2:25 तक, और चेन्नई में राहुकाल होगा आज दोपहर 12:14 से दोपहर 1:50 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज वो शुभ दिशा है पूर्व और दक्षिण पूर्व। आज घर से निकलकर पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम पर चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन खुशियों से भरा रहेगा। आज आपका ध्यान केवल और केवल अपने काम के प्रति रहेगा, इसके लिए आप कठोर परिश्रम भी करने के लिए तैयार रहेंगे। आप ज़्यादा लोगों से जुड़े रहेंगे, लेकिन कुछ समय अपने लिए अपने आप थोड़ा अकेलापन भी महसूस कर सकते हैं। उच्च अधिकारियों से किसी कार्य में आपको सहायता प्राप्त हो सकती है। सकारात्मक सोच जिंदगी में गजब का जादू कर सकती है। भविष्य की योजनाएं बनाने में आज आप व्यस्त रहेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 2। वृष राशि वालों, आज आपका दिन शानदार रहेगा। आज आपकी कम्युनिकेशन की क्षमता दूसरों को प्रभावित करेगी, जिससे आपको फायदा होगा। ये दिन दोस्तों के साथ शॉपिंग पर जाने का है, बस अपने खर्चों पर थोड़ी नज़र रखें। कोई अनजाना डर जो आपके मन में चल रहा था, वो आज अपने दोस्त से शेयर करने से दूर हो सकता है। छात्रों के लिए आज का दिन अच्छा है, किसी इंटरव्यू में सफलता मिलने के योग बने हुए हैं। आज आपके सामने कई तरह के काम होंगे, हर काम चतुराई से करें। जीवन साथी आज आपसे किसी कार्य को पूरा करने में सलाह लेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 1। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन बेहतरीन है। आज सोचे हुए काम करने के लिए और अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए दिन अच्छा रहेगा। आज आपको कार्यों में किस्मत का साथ मिलेगा। पिछले कुछ समय से किसी दोस्त से चल रही अनबन आज दूर हो जाएगी। ऑफिस में आज आपके कार्यों की तारीफ होगी। आज के दिन कॉन्फिडेंस से भरे रहेंगे। आज जो जिम्मेदारी आपको मिलेगी उसे पूरा करने में सफल होंगे। सेहत के लिहाज से आज का दिन शानदार रहने वाला है। लवमेट्स घूमने का प्लान बनाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 5। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन लाभदायक रहेगा। आज आप जितनी मेहनत करेंगे आने वाले दिनों में आपको उतना ही फायदा होगा। आज आप अपने दोस्तों के साथ शाम को डिनर पर जा सकते हैं। आज स्टूडेंट्स किसी विषय में अपने भाई की मदद ले सकते हैं, जिससे उन्हें काफ़ी हेल्प मिलेगी। वकीलों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। किसी क्लाइंट से आपको अच्छा लाभ होगा, साथ ही नए क्लाइंट आपसे जुड़ेंगे। आज आप अपने लिए कपड़ों की खरीदारी कर सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 3। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन बेहतरीन रहेगा। संतान की सफलता से आज पूरे दिन आपका मन प्रसन्न रहेगा। व्यापार में रोज की अपेक्षा आज ज़्यादा लाभ होगा। जॉब की तलाश कर रहे लोगों को नए अवसर मिलने के योग बने हुए हैं। आज आपको पैतृक संपत्ति से लाभ होने वाला है। आज आपका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा, जिससे कार्य को आसानी से पूरा करने में सफल होंगे। छात्रों के लिए आज का दिन शानदार रहने वाला है। किसी प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम आपके पक्ष में आएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 7। कन्या राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। आज आपकी आर्थिक स्थिति में अच्छे बदलाव होंगे। आज आपको अफवाहों से बचकर रहने की जरूरत है। आज आप अपने आप को फिट रखने के लिए अपना डाइट प्लान बनाएंगे। कार्यक्षेत्र में आज आपको कोई बड़ी सफलता प्राप्त होगी। लोग आपको बधाई देंगे। दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहने वाला है। जीवन साथी पहले किया हुआ वादा आज पूरा करेंगे, जिससे आपको प्रसन्नता होगी। बच्चे आज पढ़ाई में रुचि लेंगे। लवमेट्स के लिए दिन अच्छा रहने वाला है, कहीं घूमने जाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 4। तुला राशि वालों, आज आपका दिन मिला जुला रहेगा। आज कोई रुका हुआ कार्य पूरा करने का प्लान बनाएंगे। सकारात्मक सोच व संतुलित दृष्टिकोण से आप लोगों को प्रभावित करने में सफल होंगे। विद्यार्थियों को मनचाही सफलता पाने के लिए
एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ सकती है, आपकी सफलता के योग बन रहे हैं, कारोबार संबंधी समस्याओं का निवारण हो सकता है, कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, आज आपको किसी अच्छी कंपनी से नौकरी का प्रस्ताव मिल सकता है। फैशन डिजाइनिंग में रुचि रखने वाले जातकों को बढ़िया ऑर्डर मिलने से खुशी होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 8। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन उत्तम रहेगा। आज आप जल्दबाजी में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय न लें, इसके बारे में अच्छी तरह से सोच विचार कर लें। दोस्तों के साथ रिश्ते और मजबूत होंगे, साथ में छोटी सी पार्टी का आयोजन करेंगे। आज आप जिस किसी भी कार्य को आत्मविश्वास के साथ शुरू करेंगे उसे पूरा करने में सफल होंगे। जीवन साथी आज आपको प्रसन्न होने की वजह देंगे, परिवार के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। छात्र किसी प्रतियोगी परीक्षा का फॉर्म भरने के काम मन बनाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 6। धनु राशि वालों, आज आपका दिन बढ़िया रहेगा। किसी घरेलू समस्या को दूर करने के लिए परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर बात करेंगे। आज हर काम समय पर पूर्ण होने से आनंद का अनुभव होगा। आज अचानक धन आने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी। मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत लोगों के लिए आज का दिन शानदार रहने वाला है। कोई बड़ी सफलता मिलने के योग बने हुए हैं। मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्रों को आज किसी बड़े डॉक्टर से कुछ सीखने को मिलेगा। भाग्य का साथ मिलने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 9। मकर राशि वालों, आज आपका दिन एक नई उमंग लेकर रहेगा। आज आपको आय के नए नए स्रोत मिलेंगे। आज आपके घर में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। आपके आध्यात्मिक और धार्मिक मामलों में रुचि बढ़ेगी। किसी मित्र की सहायता से आपके बिगड़े हुए कार्य बनेंगे और पिछले किए प्रयासों में सफलता मिलेगी। जमीन संबंधी कार्य में पैसा लगाने से फायदा मिल सकता है। कामकाज में भी उत्साह बने रहने के संकेत हैं। आज आपके व्यवहार से लोग प्रसन्न रहेंगे। नव विवाहित दंपति के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 7। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन खुशहाल रहेगा। आज आपकी आय में वृद्धि होगी जिससे आप अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने में सफल होंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से आज आपका दिन शानदार रहने वाला है। आज आपका पराक्रम देखकर लोगों को हैरानी होगी। आप अपना पूरा फोकस अपने कार्यों को पूरा करने पर रखेंगे। ऑफिस के कार्य से आज आपको किसी यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है। यात्रा सफल रहेगी। पिता और गुरुजनों से सम्मान प्राप्त होगा। छात्रों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। लवमेट्स के लिए आज का दिन शानदार रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 8। मीन राशि वालों, आज आपका दिन आपके लिए बेहद खास पल लेकर आया है। भाई व माता से सहयोग मिलेगा जिससे आपका उत्साह बढ़ेगा। सहकर्मियों के सहयोग से कार्य को निर्धारित समय पर पूरा करने में सफल होंगे। कार्यों में आज जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। प्रॉपर्टी का काम कर रहे लोगों को आज किसी प्रॉपर्टी से अच्छा लाभ मिलेगा। महिलाएं आज ऑनलाइन शॉपिंग कर सकती हैं। अविवाहित जातकों के लिए आज कोई अच्छा रिश्ता आएगा। छात्र आज कोई कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन करने का मन बनाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है वाइट और लकी नंबर है 1। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज किसी बच्चे को कॉपी और पेंसिल गिफ्ट करें। और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज अपने इष्टदेव का स्मरण कर प्रणाम करें। साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज ऑफिस का काम समय से पूरा करने में सफल होंगे। बॉस आपसे खुश होकर आपको प्रोत्साहित करेंगे। मूलांक 2, अपने कार्यों में आप गंभीरता दिखाएंगे। घर की जिम्मेदारियों को समझने की कोशिश करेंगे। मूलांक 3, आज आपके व्यापार में बढ़ोतरी होगी। साथ ही आपको धन लाभ होने के योग बन रहे हैं। मूलांक 4, आज आपका दिन काफ़ी खुशनुमा रहेगा। अपने किसी रिश्तेदार के घर जाने का प्लान बना सकते हैं। मूलांक 5, आज का दिन आपके लिए बेहतरीन रहेगा। बिजनेस से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिलेगी। मूलांक 6, आज आप शाम के समय अपने दादी दादा के साथ बिताएंगे, आपको अच्छा लगेगा। मूलांक 7, विवाहितों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। जीवन साथी के साथ डिनर का प्लान बना सकते हैं। मूलांक 8,
परिवार में आज कुछ रोचक बातें हो सकती हैं जिससे आपका मन काफ़ी प्रसन्न होगा। मूलांक 9, अगर कोर्ट कचहरी में आपका कोई मुकदमा चल रहा है तो आज उसमें आपको जीत हासिल होगी। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे पार्किंग की दिशा के बारे में। आजकल के समय में अधिकतर सभी के पास कोई ना कोई वाहन जरूर है, ऐसे में उसे खड़ा करने के लिए एक सही दिशा का चुनाव करना बेहद जरूरी है। वास्तुशास्त्र में हर चीज़ के लिए एक दिशा तय है, ऐसे ही घर में वाहन की पार्किंग के लिए भी वास्तुशास्त्र में दिशा बताई गई है। अगर आप घर में अपने वाहन के लिए कोई गैराज बनाना चाहते हैं तो उसके लिए दक्षिण पूर्व या उत्तर पश्चिम दिशा का चुनाव करना चाहिए, ये दोनों ही अच्छी दिशाएं। लेकिन इनमें उत्तर पश्चिम यानी वायव्य कोण सबसे अच्छा है। यहाँ पर एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि गैराज की उत्तर और पूर्व दिशा में वजन कम होना चाहिए, इसलिए वहाँ पर कोई भी वाहन पार्क करते समय ध्यान दे कि वाहन का मुख उत्तर या पूर्व की तरफ होना चाहिए। तो वास्तुशास्त्र में थी चर्चा पार्किंग की दिशा के बारे में। उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज श्रावण कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि और बुधवार का दिन है। दशमी तिथि आज शाम 6 बजे तक रहेगी। आज सुबह 9:39 तक धृत योग रहेगा। इस योग के दौरान रखा गया नींव का पत्थर आजीवन सुख सुविधाएं देता है, अर्थात यदि रहने के लिए किसी घर का शिलान्यास इस योग में किया जाए तो इंसान उस घर में रहकर सारी सुख सुविधाएं प्राप्त करता है और आनंदमय जीवन व्यतीत करता है। साथ ही आज शाम 7:43 तक भरणी नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से दूसरा भरणी नक्षत्र को माना जाता है। भरणी का अर्थ होता है भरण पोषण करना। भरणी नक्षत्र के स्वामी शुक्राचार्य हैं। इसके चारों चरण मेष राशि में आते हैं, लिहाजा इसकी राशि मेष है। इसके अलावा भरणी नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह त्रिकोण आकृति को माना जाता है। आपको ये भी बता दूं कि भरणी नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक सच बोलने वाले, धार्मिक कार्यों के प्रति रुचि रखने वाले, उत्तम विचारों के धनी, साहसी, प्रेरणादायक, रचनात्मक क्षेत्रों में सफल, चित्रकारी और फोटोग्राफी में अभिरुचि रखने वाले होते हैं। साथ ही ये लोग कठिन से कठिन कार्य करने से भी नहीं घबराते और अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण भरणी नक्षत्र के जातक अपने जीवन में कई बार विफल होने के बाद भी हार नहीं मानते और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करते रहते हैं। वनस्पतियों में इसका संबंध आंवले के पेड़ से बताया गया है, लिहाजा जिन लोगों का जन्म भरणी नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को आज के दिन आंवले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, उसकी देखभाल करनी चाहिए। साथ ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आज के दिन आप किसी भी रूप में आंवले के पेड़, उसके फल या उससे जुड़ी किसी भी अन्य चीज़ को नुकसान न पहुँचाएँ और आंवले से बनी किसी भी चीज़ का सेवन भी अवॉइड करें। आज के दिन ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, साथ ही आपके पारिवारिक सुख सौभाग्य में वृद्धि भी होगी। इसके अलावा आज भरणी नक्षत्र के दौरान शुभ फलों की प्राप्ति के लिए, जीवन में सुख समृद्धि पाने के लिए, घर में धन धान्य की बढ़ोतरी के लिए, दांपत्य रिश्ते में चल रही परेशानी को दूर करने के लिए, पारिवारिक खुशियों को बनाए रखने के लिए, अपना तेज कायम रखने के लिए और लवमेट के साथ अपने रिश्ते को और भी मजबूत करने के लिए, बिजनेस में बढ़ोतरी करने के लिए, जीवन साथी की तरक्की के लिए, करियर में अपना बेस्ट देने के लिए, बच्चों की शादी में आ रही परेशानी से छुटकारा पाने के लिए, सेहत में सुधार करने के लिए और दूसरों की बुरी नज़र से बचने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, अब हम इसकी चर्चा करेंगे। अगर आप जीवन में सुख समृद्धि पाना चाहते हैं तो आज के दिन आपको आंवले के पेड़ के पास जाकर उसकी जड़ में जल चढ़ाना चाहिए, साथ ही हाथ जोड़कर आंवले के वृक्ष को प्रणाम करना चाहिए। अगर आपके आसपास आंवले का पेड़ न हो तो आप आंवले के फल का भी दर्शन कर सकते हैं। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। अगर आप अपने घर में धन धान्य की बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको लक्ष्मी जी की उपासना करनी चाहिए। आज के दिन शाम के समय आपको माता लक्ष्मी के आगे घी का दीपक जलाना चाहिए और हाथ जोड़कर धन धान्य की बढ़ोतरी के लिए माता से प्रार्थना करनी चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके घर में धन धान्य की बढ़ोतरी होगी।
अगर आपके दाम्पत्य रिश्ते में किसी प्रकार की परेशानी चल रही है तो उस परेशानी को दूर करने के लिए आज के दिन आपको भरणी नक्षत्र के दौरान शुक्र के मंत्र का 21 बार जप करना चाहिए। शुक्र का मंत्र इस प्रकार है, ओम द्रांग द्रीं द्रौं सह शुक्राय नमः। आज के दिन ऐसा करने से आपके दाम्पत्य रिश्ते में चल रही परेशानी जल्द ही दूर होगी। अगर आप अपना तेज कायम रखना चाहते हैं तो आज के दिन आपको एक अच्छी खुशबू वाला इत्र लाना चाहिए और मंदिर या किसी धर्म स्थल पर वो इत्र देना चाहिए। साथ ही अपने तेज को कायम रखने के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। अगर आप अपने लवमेट के साथ अपने रिश्ते को और भी अधिक मजबूत करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको अपने घर के बीचों बीच आंगन में एक त्रिकोण आकृति बनानी चाहिए। उस आकृति को आप सफ़ेद चौक या आटे की मदद से बना सकते हैं। अब उस त्रिकोण आकृति में एक आंवले का फल रखें और उसकी विधि पूर्वक पूजा करें। अगर आपको आंवला न मिल पाए तो आप एक आलू भी रख सकते हैं। पूजा आदि के बाद सारी चीज़ों को आज ऐसे ही रखा रहने दें, अगले दिन उन सबको बहते जल में प्रवाहित कर दें। ये उपाय करने से लवमेट के साथ आपके रिश्ते में मजबूती आएगी। अगर आप अपने बिजनेस में बढ़ोतरी करना चाहते हैं लेकिन किसी कारण से नहीं कर पा रहे हैं तो अपने बिजनेस में बढ़ोतरी के लिए आज के दिन आपको एक सफ़ेद रंग की कमीज लेकर किसी कुम्हार या किसान को गिफ्ट करनी चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आप अपने बिजनेस में अच्छी खासी बढ़ोतरी कर पाएंगे। अगर आपके जीवन साथी की तरक्की रुक गई है और वो अब आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो आज के दिन आपको उनके हाथों से ज्वार का दान कराना चाहिए। अगर वो खुद से न करें तो उनकी जगह आप भी दान कर सकते हैं। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन साथी की तरक्की ही तरक्की सुनिश्चित होगी। अगर आप चाहते हुए भी करियर में अपना बेस्ट नहीं दे पा रहे हैं तो अपनी तरक्की के लिए आज के दिन आपको अपने पास एक हल्दी और दो इलायची के जोड़े रखने चाहिए। आज पूरा दिन आप इन्हें अपने पास रखे रहें, अगले दिन इन्हें किसी मंदिर में अर्पित कर दीजिए। आज के दिन ऐसा करने से आप करियर में अपना बेस्ट देने में सफल होंगे। अगर आपके बच्चों की शादी में किसी प्रकार की परेशानी आ रही है तो उस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए आज के दिन भरणी नक्षत्र के दौरान आपको कुम्हार के घर से थोड़ी सी मिट्टी लानी चाहिए। घर लाने के बाद उस मिट्टी को एक सफ़ेद रंग के कपड़े में बांधकर मंदिर में रख दीजिए। इसके बाद शुक्र के मंत्र का 11 बार जप करें। मंत्र है, ओम द्रांग द्रीं द्रौं सह शुक्राय नमः। जाप करने के बाद उस मिट्टी से बंधी पोटली को बच्चे को अपने पास रखने के लिए दे दें। आज के दिन ऐसा करने से आपके बच्चे की शादी में आ रही परेशानी जल्द ही दूर हो जाएगी। और अगर आपकी सेहत कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही है तो आज के दिन आपको 250 ग्राम आलू लेकर उन्हें उबालना चाहिए। अब इन उबले हुए आलुओं को छीलकर ठंडा करके उसमें 2 चम्मच दही मिलाएं। इसके बाद उन आलुओं को गाय को खिला दें। साथ ही हाथ जोड़कर सेहत ठीक होने की प्रार्थना करें। आज के दिन ऐसा करने से आपकी सेहत जल्द ही ठीक हो जाएगी। अगर आप दूसरों की बुरी नज़र से बचना चाहते हैं तो आज के दिन आपको एक मिट्टी का दिया लेना चाहिए और उसमें एक कपूर और 6 लौंग रखकर जलाने चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको दूसरों की बुरी नज़र से छुटकारा मिलेगा। और अगर आपका करियर संबंधी कुछ जरूरी काम रुका हुआ है तो आज आपको आंवले के पेड़ को प्रणाम करना चाहिए और उसकी जड़ में जल चढ़ाना चाहिए। उसके बाद अपने काम के लिए दोबारा प्रयास करना चाहिए। अगर आपको कहीं आसपास आंवले का पेड़ न मिले तो आंवले के पेड़ की फ़ोटो देखकर या मन में आंवले के पेड़ का ध्यान करके प्रणाम करें। तो ये सारी चर्चा थी आज धृत योग और भरणी नक्षत्र के बारे में। आज विभिन्न समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए, हमने इसकी चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इन प्रयासों को अपनाकर फ़ायदा जरूर उठाएंगे। साथ ही आज के दिन भरणी नक्षत्र के दौरान किए जाने वाले कुछ और ख़ास उपायों के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। आज के दिन अपने वजन के दसवें हिस्से के बराबर घी नदी या बहते पानी में प्रवाहित करना चाहिए। इतना ही यानी अपने 10% यानी 1% घी मंदिर में दान करना चाहिए। कपास यानी रुई का बना हुआ कपड़ा आज क्रय करके उसे पहनना चाहिए। आंवले के वृक्ष के नीचे उत्तर दिशा की ओर मुँह करके रंभा या रतिप्रिया अप्सरा का ध्यान करना चाहिए। चमेली का इत्र अपनी दाहिनी भुजा में लगाना चाहिए। 2 दाने 6 मुखी रुद्राक्ष और 1 दाना 13 मुखी रुद्राक्ष अपनी दाहिनी भुजा
या गले में धारण करना चाहिए। तो ये थे आज के दिन किए जाने वाले कुछ खास उपाय। उम्मीद है कि इन उपायों का आप फायदा जरूर उठाएंगे। इसके अलावा आज शाम 6 बजे तक स्वर्गलोक की भद्रा रहेगी। बता दूं कि स्वर्गलोक की भद्रा का पृथ्वीलोक पर कोई अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता, लिहाजा शुभ मुहूर्त देखकर शुभ कार्य किए जा सकते हैं। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों, क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, या कहीं आपका दुश्मन बाजी न मार ले। किसका दिन आज कैसा है, नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है A, आज छोटे बच्चों के प्रति आपका प्यार ज़्यादा रहेगा, उन्हें अपने साथ शॉपिंग कराने ले जा सकते हैं। B, आज जीवन साथी के साथ अच्छा व्यवहार करें, उनकी भावनाओं को समझें, रिश्ते में मिठास बढ़ेगी। C, आज आपके दोस्त किसी काम में आपकी मदद करेंगे, आप उनका बहुत आभार मानेंगे। D, आज आपको कोई शुभ समाचार मिलेगा, ये जॉब से रिलेटेड भी हो सकता है। E, घर में किसी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है, घर पर रिश्तेदारों का आना जाना लगा रहेगा। F, आज आपका समय परिवार वालों के साथ बीतेगा, शाम को स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेंगे। G, बिजनेस में अचानक फायदा होने वाला है, जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। H, आज लंबे समय से चल रहा कोर्ट केस खत्म हो सकता है, फैसला आपके हक में रहेगा। I, पारिवारिक अनबन आज समाप्त होगी, पारिवारिक रिश्ते के लिए ये अच्छा संकेत है। J, आज दौड़ धूप की अधिकता रहेगी, जिससे आप आलस्य महसूस करेंगे। K, कम मेहनत में अधिक लाभ मिलेगा, कोई नया बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। L, संतान की प्रगति से आपका मन प्रसन्न रहेगा, धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। M, आज बिजनेस में परिवार का पूरा समर्थन मिलेगा, घर के सभी सदस्यों में तालमेल बना रहेगा। N, आज आपको कार्यस्थल पर सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा, कार्यों को पूरा करने में सफल होंगे। O, आज वाहन चलाते समय सावधानी बरतें, रेड लाइट ग्रीन होने पर ही रास्ता पार करें। P, आज आपके बिजनेस में तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे, आगे बढ़ने के कई अवसर प्राप्त होंगे। Q, आज कोई महत्वपूर्ण कार्य करने से पहले अपने माता पिता से सलाह लें, सफलता जरूर मिलेगी। R, आज आपकी किस्मत आपके साथ रहेगी, आप जो भी चाहेंगे वो पूरा कर लेंगे। S, आज आप काम में अधिक व्यस्त रहेंगे, ऑफिस से घर देर से पहुंचेंगे। T, आज किसी इंटरव्यू में जाना है तो बात करते समय अपने आत्मविश्वास में कमी ना आने दें। U, आज आप ऑनलाइन कोई टॉपिक समझने की कोशिश करेंगे, आपको सफलता भी मिलेगी। V, आज आपके लिए समय अनुकूल है, बिजनेस में कोई बड़ी डील हाथ लग सकती है। W, आपके घर पर कोई रिश्तेदार आ सकता है, आपका घर खुशियों से भरा रहेगा। X, जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं, आज उनको किसी अच्छी कंपनी से जॉब का ऑफर आएगा। Y, विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा है, पढ़ाई में मन लगेगा। Z, आज आपका दिन बेहतरीन है, कोई नया कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अब बात आज के तीर्थ की, आज हम आपको कराने जा रहे हैं काशी में बाबा विश्वनाथ के दिव्य दर्शन। उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में स्थापित काशी विश्वनाथ बाबा द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ऐसी मान्यता है कि काशी विश्वनाथ शिव के काशी नगरी भगवान शिव के त्रिशूल की नोक पर बसी है। ये भी कहा जाता है कि भगवान शिव काशी के पालक और संरक्षक हैं, और जो यहाँ के लोगों की रक्षा करते हैं। इस पवित्र शिवलिंग पर जलाभिषेक करने वैसे तो प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु आते हैं, परंतु सावन के महीने में तो बाबा के भक्तों का तांता लगता है। तो आप भी करें सावन महीने में घर बैठे बाबा काशी विश्वनाथ के पवित्र दर्शन। वैसे अब दर्शन कितने सरल हो गए हैं, पहले वो पतली सी गली, उसी में गोबर, उसी में गंदगी, उसी में भीड़, तीन तीन दिन की लाइन, अब कितना सुंदर बन गया है काशी विश्वनाथ। थैंक यू, जिन्होंने बनाया उन्हें थैंक यू। तो आप अपने घर पर ही जलाभिषेक कीजिए, अपने मन से बाबा को चढ़ाइए जल। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में कल हमने बात की थी छोटी उंगली यानी कनिष्ठिका के बारे में।
अगर इस उंगली के नीचे बुध पर्वत पूरी तरह से विकसित हो और साथ ही बुध रेखा सीधी पतली गहरी और लालिमा लिए हो तो क्या होता है। और आज उसी बारे में आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे ऐसे लोगों से दोस्ती और दुश्मनी के स्वभाव के बारे में। इनके दुश्मन बहुत कम होते हैं या होते भी हैं तो ज़्यादा दिनों तक इनसे दुश्मनी नहीं रख पाते, क्योंकि इनमें दुश्मनों को दोस्त बनाने की कला होती है। इनका व्यक्तित्व तो अपने आप में प्रभाव डालने वाला होता है और जो भी लोग इनके संपर्क में आते हैं वे भी इनके स्वभाव के कायल हो जाते हैं और इनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, साथ ही इनकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ऐसे लोग देश के साथ साथ विदेशों में भी अपना व्यापार फैलाने में सफल होते हैं। तो ये थी चर्चा सामुदायिक शास्त्र में, चर्चा छोटी उंगली की यानी कनिष्ठिका के बारे में। और अगर इस कनिष्ठिका के नीचे बुध पर्वत पूरी तरह विकसित हो, बुध रेखा सीधी पतली लालिमा लिए हो तो ऐसे लोगों की दोस्ती कैसी होती है, दुश्मनी कैसी होती है, इनका स्वभाव कैसा होता है, सारी बातें हमने चर्चा की। उम्मीद है कि आप इस चर्चा को अपने ध्यान में रखेंगे। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 12 जुलाई को श्रावण कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि, दशमी तिथि में कलम्बी के शाक का सेवन नहीं करना चाहिए। कलम्बी एक पत्तेदार सब्जी है जो कि पानी के स्रोत के पास उगती है। दशमी तिथि आज शाम 6 बजे तक रहेगी, उसके बाद एकादशी तिथि लग जाएगी जो कि कल शाम 6:25 तक रहेगी। एकादशी तिथि में शिम्बी यानी कि सेम की सब्जी का सेवन निषिद्ध है। इसका सेवन करना आपकी संतान के लिए हानिकारक हो सकता है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि आज श्रावण कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि और बुधवार का दिन है। दशमी तिथि आज शाम 6 बजे तक रहेगी। आज सुबह 9:39 तक धृत योग रहेगा। इस योग के दौरान रखा गया नींव का पत्थर आजीवन सुख सुविधाएं देता है, अर्थात यदि रहने के लिए किसी घर का शिलान्यास इस योग में किया जाए तो इंसान उस घर में रहकर सारी सुख सुविधाएं प्राप्त करता है और आनंदमय जीवन व्यतीत करता है। साथ ही आज शाम 7:43 तक भरणी नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से दूसरा भरणी नक्षत्र को माना जाता है। भरणी का अर्थ होता है भरण पोषण करना। भरणी नक्षत्र के स्वामी शुक्राचार्य हैं। इसके चारों चरण मेष राशि में आते हैं, लिहाजा इसकी राशि मेष है। इसके अलावा भरणी नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह त्रिकोण आकृति को माना जाता है। आपको ये भी बता दूं कि भरणी नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक सच बोलने वाले, धार्मिक कार्यों के प्रति रुचि रखने वाले, उत्तम विचारों के धनी, साहसी, प्रेरणादायक, रचनात्मक क्षेत्रों में सफल, चित्रकारी और फोटोग्राफी में अभिरुचि रखने वाले होते हैं। साथ ही ये लोग कठिन से कठिन कार्य करने से भी नहीं घबराते और अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण भरणी नक्षत्र के जातक अपने जीवन में कई बार विफल होने के बाद भी हार नहीं मानते और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करते रहते हैं। वनस्पतियों में इसका संबंध आंवले के पेड़ से बताया गया है, लिहाजा जिन लोगों का जन्म भरणी नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को आज के दिन आंवले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, उसकी देखभाल करनी चाहिए। साथ ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आज के दिन आप किसी भी रूप में आंवले के पेड़, उसके फल या उससे जुड़ी किसी भी अन्य चीज़ को नुकसान न पहुँचाएँ और आंवले से बनी किसी भी चीज़ का सेवन भी अवॉइड करें। आज के दिन ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, साथ ही आपके पारिवारिक सुख सौभाग्य में वृद्धि भी होगी। और अब मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण पूर्व और दक्षिण। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो नृसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपय कंपय मत मत रिंग 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 फट फट ठा ठा एहि रुद्र आज्ञापयति स्व। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज जेब में थोड़ी मिश्री किसी चीज़ में लपेट कर रखें, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।